तो उसके पैसे डुबाने से यार आप कितने दिन उस प्रॉफिट को खा लो। बहुत से लोग जो है वो पत्थर दिल होते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते, उनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। साफ नज़र आ जाता है कि अपनी वीडियो में किस तरीके से जो है वो प्रोपेगेंडा कर। तो यार कल रात ना मैं ऐसे ही यूट्यूब पे जो है वो टेक वीडियोज़ देख रहा था, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि देखिए हम एक फील्ड के हैं, तो अगर मैं अपने ही फील्ड की वीडियोज़ देखूँगा तो हमें जो है वो है ना पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। तो आजकल जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको जो है वो यूट्यूब पे कस्टम पीसीज जो है वो बिल्ड करा के जो है वो दिखाए जाते हैं, कि कस्टम पीसीज को जो है वो लोग बिल्ड करते हैं, वही उनका बिज़नेस है। यूट्यूब से ही वो लोग जो है वो कस्टमर गेन करते हैं और उनको जो है वो पीसी बिल्ड करके जो है वो दिए जाते हैं। अब उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि कल मैं एक ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक यूट्यूब चैनल दिखा, तो चैनल का नाम और उसका जो फेस है मैं उसका हाइड कर दूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके की उनकी वीडियोस पे जाके या उस बंदे के चैनल पे जाकर के जब वो कमेंट किया जाए। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उस व्यक्ति को अपने काम की जो है वो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप किसी का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर जो है आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करें, और जिस मद्दे वो पैसा खर्च कर रहा है वो जो उसका पैसा है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब मैंने उसकी वीडियो में देखा, मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कि वो ज़ोटेक का गेमिंग ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा है और ज़ेब्रोनिस का जो है वो मदरबोर्ड लगा रहा है उसके पीसी में। तो ज़ेब्रोनिस का मदरबोर्ड कहाँ तक जो है वो ज़ोटेक के 1660 के साथ जो है वो आप सोच सकते हैं कि कंपेटिबल रहेगा। ज़ेब्रोनिस की क्वालिटी बिल्कुल कहाँ है, और ज़ोटेक की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड्स में आती है। तो आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो पहले जो है उस चीज़ को जो है वो लेकर के नॉलेज गेन कीजिए। पहले इस चीज़ को समझिए कि कौन से कंपोनेंट के साथ कौन से मदरबोर्ड या कौन सी SSDs या कौन सी जो है वो रैम्स जो है वो आपको जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके देगी। मार्केट में लोग गेमिंग SSD बोल के किसी इंडियन ब्रांड की SSD लोगों को चिपका देते हैं, तो यार ऐसा मत करो। कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके बोले गए सजेशन पर कोई PC असेंबल कर रहा है, तो उसके पैसे डुबाने से यार आप कितने दिन उस प्रॉफिट को खा लोगे? तो ये तो सरासर उस व्यक्ति के साथ जो वो चीटिंग है। देखिए हर व्यक्ति इंडिया में जो है ना वो बहुत बड़ी इकोनॉमी ऐसी है जो आज भी पैसे जोड़ जोड़ करके अपने चीज़ें या अपने शौक पूरे करती है, तो उस चीज़ को जो है हम तो समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है वो पत्थर दिल होते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते, उनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। तो टेक यूट्यूबर्स जो हैं, जितने भी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जो लोग PC बिल्ड कर रहे हैं या इस टाइप का जो भी काम कर रहे हैं, यार ऐसा मत करो। कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई वीडियो देख करके अगर आपके पास आ रहा है या आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उसके साथ कम से कम ऐसी चीटिंग ना करो। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी आप अगर आप PC बिल्ड कराते हैं, देखिए मैं 8-10 साल से PC बिल्ड कर रहा हूँ और अभी तक हज़ारों PC मैंने जो है वो बिल्ड कर दिए हैं। मैं कभी भी अपने कस्टमर को जब भी PC बिल्ड करके देखता हूँ तो तीन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहला उसका जो परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और उसके एस्थेटिक्स। तो परफॉर्मेंस में आ जाता है आपका प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक कार्ड। उसके बाद आ जाती है उसकी ड्यूरेबिलिटी, जिसमें आपकी SMPS और मदरबोर्ड आता है। और एस्थेटिक्स में आप जो है उसके जो किस टाइप की कैबिनेट लगा करके आप कैसे अपने PC को जो है वो लुक देना चाहते हैं, वो एस्थेटिक्स में आता है। तो परफॉर्मेंस में अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप i5 का जो है वो 12th जनरेशन प्रोसेसर लगा रहे हैं, तो उसके साथ आप RTX 30, 50, 40, 60 वगैरह लगा सकते हैं। Ryzen में अगर आप Ryzen 5, Ryzen 7 लगा रहे हैं, तो उसमें भी आप RTX 30, 50 और RTX 40 सीरीज़ के जो है वो ग्राफिक कार्ड जो है वो लगा सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्या करेंगे, i3 प्रोसेसर लगा देंगे, RTX का ग्राफिक कार्ड लगा देंगे। प्रोसेस ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे को बॉटलनेक करेंगे, वो खुल के परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। या फिर क्या करते हैं कि i7 प्रोसेसर लगा देंगे और बिल्कुल मरा हुआ सा ग्राफिक कार्ड लगा देंगे। तो वहाँ पे ना इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम तो वीडियोस देख करके समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति कितने मार्जिन पे और क्या चीज़ डिलीवर कर रहा है, या कैसे वो जो है वो कस्टमर को जो है वो टोपी पहना रहा है, या और कुछ समझ में नहीं आता तो मदरबोर्ड रिफर्बिश लगा देते हैं, रैम रिफर्बिश लगा देते हैं। तो हमें तो वीडियो देख करके समझ आ जाता है कौन कितने पानी में है। कई लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, कई लोगों की वीडियोस देख करके जो वो प्रोपेगेंडा साफ नज़र आ जाता है कि अपनी वीडियो में किस तरीके से जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रख करके कभी भी अपना आप PC बिल्ड कराएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जिस तरीके का प्रोसेसर ले रहे हैं उसी तरीके का उसी हिसाब से मदरबोर्ड लीजिए और उसी हिसाब की PSU लीजिए। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा YouTube देखने की बजाय, YouTube से तो आपको जो नॉलेज मिलेगी मिलेगी, थोड़ा सा आर्टिकल्स वगैरह अगर पढ़ेंगे जाकर के टॉम्स हार्डवेयर वगैरह के, तो आपको
बेटर जो है वो एक नॉलेज गेन होगी। हम लोग भी आज की डेट तक पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के ही चीज़ों को जो है वो अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी सारी चीज़ जो है वो सीखने को मिलेंगी और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि YouTube पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन एक्चुअल वीडियो बना रहा है और कौन ब्रांड प्रमोशन कर रहा है। तो जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको किसी आर्टिकल से रिवेरीफाई ज़रूर करें। तो ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं इनके जाल में मत फंसिए, इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। देखिए पीसी बिल्डिंग जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक आर्ट है, जिसमें आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन से कंपोनेंट लगा करके आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, तो उस चीज़ का तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बट साथ में आर्ट वो ऐसे है कि आपको कम से कम बजट पे या बजट का सही यूटिलाइज़ करते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। यानी कि 50,000 रुपये में अगर आप कोई पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उस 50,000 रुपये का आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो वो एक आर्ट है। तो पीसी कोई ऐसा नहीं है कि दो चार कंपोनेंट तो कोई भी जोड़ देगा घर में बैठ करके, बट उन कंपोनेंट से कैसा आउटपुट निकलेगा, कहाँ पे कौन सा जो है वो पार्ट यूज़ करना है, क्या मदरबोर्ड यूज़ करना है, क्या प्रोसेसर यूज़ करना है, तो वो जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है वो एक अच्छा पीसी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें ना तो जो उसका क्लाइंट रहा होगा ना तो उस क्लाइंट को पता था कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, ना उसे पार्ट्स की नॉलेज थी, और जिसने वो पीसी असेंबल कराया भाई उसे भी कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या कंपोनेंट लगाने वाले और क्या उसको जो है वो रिजल्ट मिलने वाला है। तो जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें, अपने थोड़े से प्रॉफिट या ज़्यादा से प्रॉफिट के लिए बेरो में गुठली ना रला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड स्टे अवेयर।